हाय गाइज, वेलकम टू लास्ट मिनट टिप्स फॉर योर सेट जनरल एंड स्लैट 2023 सिम्बायोसिस। सिक्स को अपना एग्जाम ऑलरेडी हो गया है और पेपर जो आपका सिक्स को था इट वाज मॉडरेट लेवल का पेपर। ठीक है, तो सेक्शन बाय सेक्शन क्या क्या पढ़ना है दैट ऑल्सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट, और लास्ट फ्यू डेज में अपने को क्या क्या करना है। ठीक है, सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली बिकॉज दिस इज योर लास्ट चांस टू गेट इन टू द सिम्बायोसिस। तो सबसे पहले तो अगर आपका प्रिपरेशन पार्शली हुआ है सो आई वुड सजेस्ट मेनूवर के सारे वीडियोस जो आपके डैशबोर्ड पे दिए हुए हैं उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर डालो। ठीक है, सेट जनरल को लेके भी एंड स्लैट को लेके भी, प्लस मॉक, ये दो काम आपको अच्छे से कर लेना है फॉर नेक्स्ट रिमेनिंग डेज। सेक्शनल वाइज अगर आपको लग रहा है मेरी पढ़ाई हो गई है, लीगल में प्रॉब्लम है, जीके में प्रॉब्लम है या फिर लॉजिक में प्रॉब्लम है तो सेक्शन प्रोग्राम यू कैन चेक इट आउट, और पूरी पढ़ाई हो गई है तो मॉक लिखना चालू कर दो। जो आपका रिसेंटली पेपर हुआ है एट पार था आपका मेनूवर का मॉक, मतलब आपके वही मैक्सिम्स के क्वेश्चन, वही आपका एनालिटिकल रीजनिंग, फिर वो आपका अरिथमेटिक वाले क्वेश्चंस, वो कैब वाले क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये काम आपको नेक्स्ट फोर डेज करना है। तो अगर आप स्लैट लिख रहे हो तो manuvedu.com/law entrance पे विजिट कर लो फॉर स्लैट, बट इफ यू राइटिंग सेट जनरल देन manuvedu.com/bbaentrance फॉर योर सेट जनरल। इनका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो लास्ट मिनट पे आपको एक तो जीके बूस्टर्स गो थ्रू कर लो, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन 50% है, स्टैटिक के भी 50% क्वेश्चन है। तो आपके डैशबोर्ड पे 2000 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का हैंडआउट्स है और स्टैटिक को लेकर 1000+ क्वेश्चन का हैंडआउट्स है, इसको गो थ्रू अच्छे से कर लो। प्लस अगर वीडियो देख सकते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये काम करके खत्म करो। बाकी मॉक डेफिनेटली लिखना है, मॉक के अंदर आपके जीके प्लस लीगल के क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। लीगल आपका स्लैट में आएगा, सेट जनरल में नहीं आएगा, बट हाँ जीके दोनों एग्जाम्स में आएंगे, तो भाई जीके क्वेश्चन देख लेना बिकॉज हाई चांस है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो आपके एग्जाम में। बाकी रिवीजन पे काम करना है अपने को। तो ये सारे पैरामीटर्स पे अगर आप काम करते हो तो आराम से आपके ओवरऑल स्कोर में 10 मार्क्स इंक्रीज होंगे, रफली 5 to 10 मार्क्स। स्पीड पे काम करना है, एक्यूरेसी पे काम करो, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं विदाउट फेल बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इफ यू डोंट नो क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व, इसको राउंड वन या राउंड टू के लिए रखो। इफ यू नो द क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व बट टाइम कंज्यूमिंग है तो राउंड टू में आएंगे अपन। सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो, टाइम मैनेजमेंट पे काम करो, कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है, कौन से सेक्शन पे एंड करना है ये आपको पता होना चाहिए। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में जाओ, एग्जाम लिखो, पेपर जो है आपका मॉडरेट लेवल का पेपर है सो इतना टेंशन लेना नहीं है अपने को। क्वेश्चन कौन से लीव करने हैं, लीव मीन्स सेकेंड या थर्ड राउंड में आएंगे अपन, और जो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं ऑप्शन से अगर अप्रॉक्सीमेट वे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करो, टाइम बचाओ आप। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स है, इस पर काम करो टू इम्प्रूव योर स्कोर। सो अभी सिक्स को जो पेपर हुआ था उसके बेसिस पे वी कैन से कि पेपर आपका मॉडरेट लेवल का है और हमने काफ़ी डिसेंट लेवल पे पढ़ाई की है हर सेक्शन को लेके। बट नेक्स्ट फोर डेज भी अपने को मेहनत करनी है, 100% अपना देना है। जो आपके मेनूवर के पोर्टल पे मॉक है उसको लिख दो विदाउट फेल बिकॉज यहाँ से हाई चांस है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो। अभी जो रिसेंटली सिक्स को एग्जाम हुआ था यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए थे। लीगल में लीगल मैक्सिम अच्छे से कर लो, ठीक है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आया हुआ है लीगल को लेकर के। जीके सेक्शन में स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो ओवरऑल स्टैटिक और करंट अफेयर्स के वो 50-50% ब्रेकअप के हिसाब से है। अवार्ड वाले क्वेश्चन कर लेना, नोबेल प्राइज वाले क्वेश्चन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। सो एक ग्लांस आप ले लो मॉक के क्वेश्चन पे और ये सारे एरिया पे। ठीक है, सो ऑल द एग्जाम्स आर गेटिंग ओवर, आपके पास सिम्बायोसिस का ये 14th वाला जो डेट है वो लास्ट चांस है। तो पैनिक नहीं होना है, फुल ऑफ चार्ज रहना है, मोटिवेटेड रहना है, फुल कॉन्फिडेंस से जाओ एग्जाम लिखो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है, और रिविजन टेस्ट एनालिसिस जीके ये सब काम करते रहो। ऑल्सो वाइल यू आर राइटिंग द मॉक टेस्ट मेक श्योर आपका मोबाइल साइलेंट मोड पे हो, आपका बेडरूम लॉक है, और सीरियस होके एग्जाम लिखो कि ये आपका एक्चुअल सिम्बायोसिस का एग्जाम है। ठीक है, रफ पेपर लेके रखो फॉर द रफ वर्क, कीप वाटर बॉटल, और ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में भी मिलेगी, पेन कैरी करना एंड वाटर बॉटल आपको कैरी करना है। ठीक है, सो चक दे इंडिया मूवी में एक डायलॉग है, 70 मिनट है आपके पास, जी लो आपकी ज़िंदगी, आपके पास है 60 मिनट एग्जाम में। सो गिव योर बेस्ट, गिव योर 100% एंड एन्जॉय दिस 60 मिनट। सो इन दिस 60 मिनट हाउ यू परफॉर्म दैट विल डिसाइड वेदर यू आर इन और आउट फॉर सिम्बायोसिस कैंपस। ओके, ऑलराइट, सो नाउ लेट मी गाइड यू अबाउट दिस सिम्बायोसिस फुल कोर्स मॉक एंड दिस जीके प्रोग्राम। जस्ट लॉग ऑन टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेन्यूवर, गो टू बाय ऑनलाइन। फॉर स्लैट लॉ काइंडली लॉग ऑन टू स्लैट लॉ एंट्रेंस, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपका फुल कोर्स है जिसके अंदर सारे वीडियोस, मॉक और हैंडआउट्स दिया हुआ है। ये सारे वीडियो को अच्छे से आपको देख लेना है,
इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है सेम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली जीके पे और लीगल वाले पे काम कर लेना, ठीक है। लाइकवाइज इफ यू गो बैक मॉक के लिए यू कैन चेक आउट दिस प्रोग्राम, मॉक प्रोग्राम, जिसके अंदर आपके 10 फुल लेंथ मॉक है। एंड अगर आपको लग रहा है कोई सेक्शन वीक है इंग्लिश जीके लॉजिक, तो आप ये सेक्शनल प्रोग्राम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। लाइकवाइज फॉर बीबीए एंट्रेंस सेट जनरल यू कैन गो टू दी बीबीए एंट्रेंस प्रोग्राम, यहाँ पे फुल कोर्स में यू विल बी गेटिंग दी सेट जनरल, ठीक है। ऑल दिस वीडियो यू हैव टू वॉच, मॉक टेस्ट एंड हैंड आउट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज, और सिर्फ मॉक लिखने के लिए यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम, 15 मॉक का प्रोग्राम। एंड अगर आपको लग रहा है कोई सेक्शन वीक है मैथ्स लॉजिक इंग्लिश, तो आप सेक्शनल प्रोग्राम चेकआउट कर सकते हो। इन सब का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्कशन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल द कोर्सेज, फुल कोर्स बुक्स सेक्शनल एंड मॉक टेस्ट। सो एज आई ऑलवेज से द क्लियर द वर्कशीट द फास्टर यू आर, जितना रफ वर्क आप कम करोगे उतना फास्ट तरीके से आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट करोगे। सो गिव योर 100% एंड क्रैक सिम्बायोसिस 2023 एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।